सभी गुरुजनों को नवीन का प्रणाम। और मैं परिचय कराना चाहूँगा, बनारस से मेरे गुरुजी श्री अरविंद सिंह सर जी फिजिक्स के लेक्चरर हैं, बनारस उदय प्रताप इंटर कॉलेज के। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ ज्वाइन किया है, और साथ में ही कोरिया के बहुत ही प्रख्यात विश्वविद्यालय हानयांग यूनिवर्सिटी नाम है उसका, उसके प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर, ये भी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र सर स्वागत है। थैंक यू नवीन जी, और आप लोगों ने हमें इसमें इनवाइट किया, और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस बड़े ग्रुप में आज अटेंड कर रहा हूँ। मेरा तो देखिए फील्ड तो ये नहीं है, लेकिन मैं नवीन जी को सुनता रहता हूँ, और उनका जो रचय जो कविता है और जो ये किताब है मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे तो बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलता है, और क्या बोलते हैं साहस मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सका। ये कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम का नाम है एक शाम साहस के नाम। तो साहस में यही है कि हम लोग जो कोरोना काल है इससे थोड़ा उभरते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ नवीन जी और उनके साथ आए हुए प्रोफेसर लोग हैं, आचार्य लोग हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और हमारे साथ माननीय हृदय जी, लालमणि जी, और उनके बच्चे भी हैं दो तीन जो बढ़िया कविता में भाग लेंगे, सुहानी शर्मा युवराज, और उसके अलावा हमारे गुरु जी नरेंद्र जी यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी जल्दी में कुछ लोग और जुड़ेंगे। तो इस कड़ी में मैं आगे सुहानी कराइए, सुहानी से कार्यक्रम की। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अब मैं अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है मैं नया भारत का चेहरा हूँ। वाह। इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। वाह। मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान। विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नाम प्रोग्राम का। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत वेरी गुड सुहानी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, 2500 नंबर से शुक्रिया। तो अब इसमें आगे की श्रृंखला में मैं हृदय जी को आमंत्रित करूंगा। माननीय हृदय जी, धन्यवाद मिश्रा जी। जी सर, शुरू करिए सर। देखिए, कोरोना काल में हम सब घरों के अंदर हैं, और एक तरह से जैसे किसी पेड़ को पानी ना मिले तो जैसे मुरझा जाता है, ऐसे मुरझाए हुए हैं सब लोग। क्योंकि जहां से भी खबर मिलती है कुछ अच्छी नहीं मिलती। इस कोरोना काल में सब घरों के अंदर हैं, कुछ टेंशन में हैं, तो क्यों ना इस टेंशन से उभरते हुए कुछ एक हास्य कविता मैं आपके सामने रखूं, ताकि खुश हो जाए। जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो कविता एक हास्य कविता है, इसे अनर्थ कोई ना ले। एक बार ऐसा हुआ, सरदार जी बहुत परेशान थे,
बहुत समस्याओं से गुजर रहे थे और काफी समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब सब काम जब जब सब समस्याओं से जब घिरे हुए थे वे, उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई धार्मिक कार्य करा लिया जाए, घर में कई हवन करा लिया जाए जिससे कुछ सुख शांति हो जाए। ठीक है, ऊपर कविता है। एक बार सरदार जी ने पंडित जी को बुलवाया और घर में एक हवन कराया। पंडित जी थे बहुत महान, उनकी आकृति का था निम्न प्रकार बखान। सिर पर लंबी चोटी 6 इंच लंबी 1 इंच मोटी। आखिर हुआ शुरू हवन, पंडित जी ने किया देवताओं को नमन। आखिर हुआ शुरू हवन, पंडित जी ने देवताओं को किया नमन। पंडित जी बोल रहे थे मंत्र, सरदार जी देख रहे थे निरंतर। पंडित जी बोल रहे थे मंत्र, सरदार जी देख रहे थे निरंतर। आखिर द्वारा सुनिए इन पंक्तियों को। पंडित जी बोल रहे थे मंत्र, सरदार जी देख रहे थे निरंतर। आखिर हवन समापन पर आया, सबने मिलकर प्रसाद खाया। अब जब लास्ट में पंडित जी अपने घर को जाने लगे, तो सरदार जी अपनी शंका बताने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप तो हो इतने दुबले पतले, परंतु आपके मुख से इतने मंत्र कैसे निकले? हे ब्राह्मण देव, आप तो हो इतने दुबले पतले, हाँ सुंदर, बहुत सुंदर, आपके मुख से इतने मंत्र कैसे निकले? तो सरदार पंडित जी बोले, अब सरदार जी आश्चर्यचकित रह गए कि भाई इतने सारे मंत्र बोले इन्होंने और सब इन्हें याद हैं, और मैं जो हूँ एक मंत्र भी नहीं बोल पाता हूँ। तो जब पंडित जी अपने घर को जाने लगे, सरदार जी अपनी शंका बताने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप तो हो इतने दुबले पतले, आपके मुख से इतने मंत्र कैसे निकले? पंडित जी बोले, हे अबोध बालक, इस लंबी चोटी को देख ले, हे अबोध बालक, इस लंबी चोटी को देख ले, बस यही एंटीना है, सोच ले। हे अबोध बालक, इस लंबी चोटी को देख ले, बस यही एंटीना है, सोच ले। अब सरदार जी संशय में पड़ गए। सरदार जी बोले, यदि बात है इस प्रकार तो मेरे सर पे तो रखा है रडार। तो फिर पंडित जी बोले, मानता हूं आपकी सर पर रखा है रडार, परंतु आपकी दाढ़ी में कहीं अर्थ के तार, इसलिए आपके जो रडार में आता है वो पृथ्वी में समा जाता है। इसलिए वो बालक तू कोई मंत्र नहीं बोल पाता है। जय भारत। बहुत 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 अति आगे मैं परिचय की श्रृंखला में बता दूं, हमारे साथ हमारे विद्यालय में वरिष्ठ आचार्य श्रीमान मनु जी भी जुड़ चुके हैं। मनु सर का बहुत बहुत स्वागत। नवीन जी, भाई बच्चा कुछ ये कह रहा है कि कुछ यूट्यूब में कुछ दिक्कत है, देखना कुछ चल रही है ठीक से? हाँ, अभी फेसबुक पे अभी हो गया है, अभी बोले। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो नवीन जी आप रखिए, फिर कोई छोटी सी कविता पहले। अच्छा, तो यहाँ पे विद्यमान समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं उनको भी सादर प्रणाम। कहते हैं कि शब्द जख्म है तो शब्द ही मरहम भी है, तो आज कहीं न कहीं सभी लोग पीड़ित हैं, सबके मन में कुछ दुविधा है, कुछ समस्या है, और सबको चाहिए साहस। इसीलिए इस आज कार्यक्रम का नाम हमने रखा है एक शाम साहस के नाम। तो आदमी जो है अगर बहुत वजन ले रहा है तो
तो बहुत दूर तक चल सकता है, उसके पास साहस होना चाहिए। लेकिन अगर आदमी का मन ही भारी हो गया है तो वो बहुत दूर तक नहीं चल सकता है। तो मन से हल्का करने के लिए, मन को बल देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए आज हमने यह प्रयास किया है। तो इस कड़ी में मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। ये कविता स्वर्गीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई कविता है, तो जो कि आज के माहौल में निश्चय सबको ऊर्जा देगी। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ा में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में। अभी बहुत सारे लोग बीच धार में हैं, बहुत सारे मनों में दुविधाएं हैं कि क्या होगा। उन सभी लोगों को बल देते हुए कुछ लाइनें। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शतशत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये थी वाजपेयी जी की कविता। अब इसी क्रम में मैं एक अपनी लिखी कविता सुनाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी ने बहुत ही, धन्यवाद सर, वाजपेयी जी ने बहुत ही शक्तिशाली भूमिका बांध दी है, और इसमें मेरी एक चुटपुटिया कविता आप सुनने का कष्ट करिएगा। ये भी साहस भरने का ही प्रयास हुआ है। जो वो कोई तूफान है, आज की जो समस्या है उसको अगर हम तूफान मानते हैं, जो वो कोई तूफान है, हम हौसलों की चट्टान है, जो वो कोई तूफान है, हम हौसलों की चट्टान है, नहीं डिगेंगे नहीं डरेंगे, हम भिड़ेंगे हम लड़ेंगे, नहीं डिगेंगे नहीं डरेंगे, हम भिड़ेंगे हम लड़ेंगे। आगे तूफान से मैं बोलना चाहता हूँ। ऐ तूफान तेरी मियाद क्या है, हमें उखाड़ सके तेरी बिसात क्या है, हम लचीले पेड़ तेरी रफ्तार के रोड़े हैं। लचीला पेड़ कौन सा होता है? हम लचीले पेड़ तेरी रफ्तार के रोड़े हैं, हम बांसों ने, जो बांस का पेड़ होता है, कितना तूफान आए तूफान को तोड़ता है, हम बांसों ने तेरे मिलकर बल तोड़े हैं। हम लचीले पेड़ तेरी तूफान के रोड़े हैं, हम बांसों ने तेरे मिलकर बल तोड़े हैं। अरे अकेली नाव को क्यों घेरता है, ज्वार भाटों में उन्हें क्यों पेरता है। अभी सब वाजपेयी जी की कविता में था कदम मिलाकर चलना होगा, तो उसी की तरफ मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि अकेली नाव है, आदमी हर जगह अलग थलग करके परेशान कर रहे हो सबको। अरे अकेली नाव को क्यों घेरता है, ज्वार भाटों में उन्हें क्यों पेरता है, रुक जरा एक नाव पे सवार हो जाने दे, रुक जरा एक नाव पे सवार हो जाने दे, हर हाथ में जरा पतवार हो जाने दे, हर हाथ में जरा पतवार हो जाने दे। कल्पना करिए कि सारे लोग एक नाव पे आ गए, तब फिर क्या करेंगे। तेरी मतवाली लहरों का ये जो माथा है, तेरी मतवाली लहरों का ये जो माथा है, मानो उस गज की सवारी की गाथा है, मानो उस गज की सवारी की गाथा है, उन्मत्त तूफानों को लगाया हमने अंकुश है, उन्मत्त तूफानों को लगाया हमने अंकुश है, प्रलय यूं चल नहीं सकता निरंकुश है, प्रलय यूं चल नहीं सकता निरंकुश है। तो ये एक छोटा सा प्रयास हुआ था। इसी के साथ साथ मैं सभी प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम करता हूँ सुनने के लिए, आशा है कुछ ऊर्जा बढ़ी होगी। बहुत 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 बहुत
बहुत सुंदर, आप तो ऊर्जावान कर दिए हम लोगों को। मैं यहाँ रात का 10 बज रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप एकदम उठ करके भावनाओं के साथ बात चले जी। कोरिया में इस समय लगभग 10 बज रहे हैं भाई, देखिए अब थोड़ी देर और कार्यक्रम है, तो इसी श्रृंखला में मैं माननीय नरेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ संस्कृत के श्लोक कुछ प्रस्तुत कर दें। धन्यवाद सर। मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नवीन जी का विशेष धन्यवाद, आप दोनों ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और स्वामी विद्युत जन और विद्युतियों का और अपने अनुजों का बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े उसमें। एक अभी जो कार्यक्रम के लिंक है उसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूर न हो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल। सुंदर, एक विद्या धर्म के ऊपर एक श्लोक, क्योंकि समय कम है एक ही श्लोक सुनाऊंगा और अगर मिश्रा जी बात में बताएंगे तो फिर दूसरा श्लोक सुनाऊंगा। एक श्लोक है विद्या धर्म के ऊपर, केयूरान भूषयन्ति पुरुषम् हारान चन्दोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम करोति पुरुषम या संस्कृता क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम्। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, थोड़ा हिंदी से बताता हूं मैं, जो पुरुषम जो पुरुष है व्यक्ति है ना, केयूरानम भूषयन्ति, उसको जो है केयूर है ना, केयूरम माने बाजूबंद, और जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार है उसको विभूषित नहीं करता, न स्नानम न ही स्नान, न विलेपनम न किसी प्रकार का लेप, न कुसुमम न ही उसको पुष्प फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और उसकी जो अलंकृत सजाई गई है गूथी गई है चोटी न उसको वह अलंकृत करती है। जैसे कि अभी बताए थे नवीन जी वाणी, वाणी के बारे में इसने बताया है, वाणी का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धारित, केवल एकमात्र वाणी ऐसी है ना, वो भी संस्कार युक्त वाणी, जो कि पुरुष को संस्कारित वाणी ही पुरुष को संस्कारित करती है, उसको आगे बढ़ाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सत्तम बाल भूषणम भूषणम, जितने भी हमारे आभूषण वो सब क्षीण हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, परंतु एक वाणी वाणी रूपी आभूषण कभी समाप्त नहीं होता, वो निरंतर लगातार हमेशा जिंदगी भर पर्यंत जिंदगी पर्यंत रहता है। मैं दूसरा श्लोक बाद बताऊंगा, बस मैंने इतने बताया था। ठीक है जी, बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, अब हमारे साथ और सज्जन भी जुड़ गए हैं, माननीय सतप्रकाश शर्मा जी, डीजी जी मैथमेटिक्स हैं। नमस्कार डीजी सर, जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर का, धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला में नवीन जी, ये भाई भाई साहब कोई बोले तो बुलवाइए, नहीं तो फिर मैं पलक की ओर जाऊंगा आप थोड़ा। मैं सर एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे सभी लोग इस समय कहीं न कहीं किसी न किसी युद्ध में निरंतर व्यस्त हैं, तो उस बीच में अब मैं दो देशों के बीच में तुलना तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग मास्क लगाएं घर से बाहर निकलने से पहले। तो एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा, कोरिया में 100% लोग, यहाँ पे जितेंद्र सर हैं इसका
इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे तो स्वागत है। 100% लोग, बच्चा भी अगर है 3 साल का तो बाहर जाता है तो मास्क जरूर लगाता है, तो सब लोग मास्क लगाएं। अब हम लोग कहेंगे कि इसकी क्या प्रामाणिकता है, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कोरिया में दो उदाहरण है। एक कंपनी में एक आदमी पॉजिटिव हुआ, उसके संपर्क में 100 लोग आए, एग्जैक्टली 100 था, मैं डेटा बना के नहीं, रफ राउंडेड डेटा नहीं है, एग्जैक्टली 100 लोग उसके संपर्क में आए, सबका टेस्ट हुआ, तो मतलब हम लोग काफी क्लोज था वो मैटर, तो सब लोग डरे हुए थे, मतलब 100 में कुछ ना कुछ लोग तो पॉजिटिव जरूर आएंगे। बट उसका जब रिजल्ट आया, एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ, सारे लोग सेफ रहे। उस आदमी के जो भी संपर्क में आया, तो उसका एक ही कारण था कि जो लोग भी हैं उस कंपनी में 100% लोग मास्क लगाते हैं, जब भी कैंपस में हैं, सिवाय खाना खाने और पानी पीने के छोड़ के, जो मास्क का अनुपालन है, एक पुलिस की तरह कंपनी में भी वो होता है कि कौन नहीं फॉलो कर रहा है उसको सेफ्टी के अगेंस्ट उसको हाईलाइट करते हैं। तो जितेंद्र सर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैं कुछ ये कहना चाहूंगा। देखिए, मेरा देश तो बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, और गवर्नमेंट तो रूल बनाती है, बात सही है, लेकिन फॉलो करना हमें है। तो यहाँ पे क्या है कि एक छोटा से बच्चा से लेकर के, आई थिंक वन ईयर का बच्चा से लेकर के आपका जितने एजेड हैं, जब तक आदमी जिंदा रहता है 70, 80, 90, 100 साल के, आप इवन दो अगर वो रोड पर भी चल रहे हैं, अब कोई है भी नहीं, तो भी मास्क लगाए रहते हैं। और गैदरिंग में तो गवर्नमेंट का है कि आप 5 लोगों से ज्यादा मिल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर इवन दो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, तो भी तो लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट रूल हमारे यहाँ भी बनाया है और यहाँ पर भी है, लेकिन फॉलो हमें करना है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग जहाँ पर भी रहें, जरूरी रहे तब घर से बाहर निकले, मास्क लगा के निकले, सैनिटाइजर हाथ में रखते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट तो चारों तरफ सैनिटाइजर नहीं रख सकती है, लेकिन कोरिया में आप कहीं भी जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए, घर के बाहर निकलिए, आप अपने कॉलोनी में आइए, गेट पर चारों तरफ सैनिटाइजर रखा हुआ है। तो यहाँ का बात अलग है, लेकिन हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में हम अपना एक छोटा सा जो सैनिटाइजर का बॉटल होता है हम लेकर चल सकते हैं, अपने आप को बचाएंगे तब अपने फैमिली को बचा लेंगे। सबसे जरूरी है फैमिली, अगर हम फैमिली को बचा लेंगे तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो हम बाहर जाते हैं, हम कमाने के लिए तो बाहर जाते ही हैं, इसलिए हमें अपने आप को बचाना है, हम अपने आप को बचाएंगे तो मेरी फैमिली बची रहेगी। और यही एक है, यहाँ पर सब लोग रूल फॉलो करता है, हमें आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वहाँ फॉलो करिए, अपने नियर डियर को बचा के रखिए। यही है, इस समय खराब चल रहा है, इस समय धीरे धीरे निकल जाएगा, यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है। मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय जितेंद्र जी ने और नवीन जी ने हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे सब लाइव ज्यादातर सुन रहे हैं क्लासों के, तो उस बच्चों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि वो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि दक्षिण कोरिया में 100% सभी लोग उसे प्रयोग में लाते हैं। अब मैं पलक की ओर जाऊंगा, पलक से निवेदन के एक छोटा सा गीत कविता जो भी है वो रखें। ठीक है, नमस्ते नमस्ते बेटा। मैं जुनून है सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, मैं जुनून है सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ से रहे, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, रुकना होगा दुनिया तुमको विश्वास पर अपने खड़े, खड़े रहो खड़े रहो। दुनिया बदली है जितने भी, पहले उसको इंकार मिला, दुनिया बदली है जितने भी, पहले उसको इंकार मिला, अपमानों का हार मिला, अपमानों का अपहार, हर क्रम में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हर क्रम में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विधि मचाल लिए विश्वास से अपने खड़े, अरे रे अरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पलक, बहुत अच्छा पलक।
पलक ने बहुत अच्छा सुनाया जी, बहुत बहुत बढ़िया। पलक ने बताया कि मकसद में अगर सच्चाई है तो हम जरूर कामयाब होंगे एक दिन। तो मैं नवीन जी से आग्रह करूंगा कि जगेश्वर जी आए हैं उनका भी परिचय करा दे। जगेश्वर सर को मेरा प्रणाम जी। मैं राजस्व सिंह हूँ और मेरे छोटे भाई हैं हितेश कुमार जो सरस्वती विद्या मंदिर में। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, स्वागत सर आपका, प्रणाम सर। बहुत सुंदर, बहुत सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। मैं समझ नहीं पाया भाई, मैं समझा कि कोरिया से ये भाई साहब, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। युवराज युवराज तैयार है ना, इससे पहले मैं लालमणि जी सर से आग्रह करूंगा कि वो कुछ अपना रखे थोड़ा सा विचार। हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। और मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये कविता ऐसी है कि हम सभी को लाइफ में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जैसा आज का शीर्षक भी रखा है साहस पर, देखता हूँ साहस के नाम। तो साहस कई बार हमें अकेले ही दिखाना पड़ता है, तो मैं आपको वही कविता सुना रहा हूँ जल्दी। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते, देखिए दुनिया के कुछ रूल हैं वो बदलते नहीं है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सुंदर, यही है जिंदगी, बहुत बढ़िया, बहुत लास्ट स्टैंजा सुना रहा हूँ आपको। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तो चलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लालमणि जी ने बहुत सुंदर सुनाया। मैं परिचय की दृष्टि से एक परिचय करा दूं, हमारे विद्यालय की स्वर कोकला श्रीमती जी सुदीप्ता जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनके शिष्य जैसे युवराज है, पलक है, सुहानी है, ये लगे हुए हैं और मैडम जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी श्रृंखला में एसपी जी भाई साहब जी, सर भाई साहब पढ़ दीजिए, बिना चेहरा दिखाए आप आराम से पढ़िए, फोन के पढ़िए, बिल्कुल। आप तो बहुत अच्छे विद्वान आदमी है, आपकी तो कोई भी जो कहानी उसका जो भी आती है तो हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और नवीन जी को भी पढ़वाते हैं साथ में। हाँ हाँ, मैं पढ़ता हूँ सर का जी। नमस्कार जी भाई साहब, प्रणाम जी। हमारा तो जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी सर, जी सर। हमारा जीवन बहुत ही जटिल और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अगर हमारे जीवन में खुशियां हैं तो दुख भी है, इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर हम जीवन जीने का लुत्फ उठा सकते हैं। जिंदगी हमें जीने के अनंत मौके प्रदान करती है, इन मौकों से हमें सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जो बात हमें पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि जो बात हमें पीड़ा पहुंचाती है वही बात हमें कुछ नया सिखाकर भी जाती है। यदि हमने समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वह हमारे अंदर निराशा, हताशा, एकांकीपन और अकेलेपन का भाव उत्पन्न करती है। वहीं दूसरी तरफ समस्या हमारे अंदर साहस और बुद्धिमानी का सृजन करती है। अनिश्चितता और संभावनाओं की कसम कसमें हमारा जीवन व्यतीत होता रहता है।
जीवन में सकारात्मकता कैसे आए, इसके लिए मैं कुछ चंद पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। समुद्र का गीत सुन, हाँ सर जी जी स्वागत काल ठीक है। समुद्र का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में जलती हुई आग के ज्वालामुखी का राग सुन, लबों पे तेरा नाम है जो रुक गया ये सवाल है, सभी तो कह रहे हैं तू है अलग, हो खड़ा चढ़ शिखर कर कुछ नया, तुझ में नया खून है तू कौम का जनून है, बेबसी की रात में तू भोर का सुकून है, तुझ में नया खून है तू कौम का जनून है, बेबसी की रात में तू भोर का सुकून है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घट गया जो तेरे साथ, बहुत बढ़िया। घट गया जो तेरे साथ उसका ना तू मलाल कर, ले मंजिलों की रहा फिर नई मिसाल बन, फिर नई मिसाल बन, तू है अलग हो खड़ा चढ़ शिखर कर कुछ नया, ले सुतलिया उम्मीद की बांध ले दिशाओं को, ले सुतलिया उम्मीद की बांध ले दिशाओं को, अपने हौसलों की गंध से तू मोड़ दे हवाओं को, तू मोड़ दे हवाओं को, धूप भी तेरी है यार छाव भी तेरी है यार, धूप भी तेरी है यार छाव भी तेरी है यार, बीच में है क्यों खड़ा चल उठा कदम बढ़ा, चल उठा कदम बढ़ा, चल उठा कदम बढ़ा, तू है अलग हो खड़ा चढ़ शिखर कर कुछ नया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमर अगर झुक गई, कमर अगर झुक गई तो ये समझ सांस रुक गई, कमर अगर झुक गई तो ये समझ सांस रुक गई, चुनौतियां हो तो हो उनसे दो दो हाथ कर, उनसे दो दो हाथ कर, आंख से झलक गया भर अगर हलक गया, पीढ़ियों की हार है अगर तू रुक गया तू ठहर गया, आंख से झलक गया भर अगर हलक गया, पीढ़ियों की हार है अगर तू ठहर गया, तू है कर शिखर कर कुछ नया। सुंदर पंक्ति अगली जी, दुल्हन बना रहे लक्ष्य को, दुल्हन बना रहे लक्ष्य को, आशाओं की डोली सजा यकीन के सिंदूर से फांसलों की मांग भर, यकीन के सिंदूर से फांसलों की मांग भर, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए इसके ऊपर मैं दो पंक्तियां आपको सामने रख रहा हूँ। शेर की जुबान रख, शेर की जुबान रख बाज की उड़ान रख, शेर की जुबान रख बाज की उड़ान रख, हाथियों की मस्त चाल तू अपने हाथ में वक्त की कमान रख, तू अपने हाथ में वक्त की कमान रख। बहुत गजब, बहुत सुंदर। तू है अलग हो खड़ा चढ़ शिखर कर कुछ नया, ईद का मिलन है तू, ईद का मिलन है तू, होली का गुलाल है रंगों में बहते हुए दरिया का, तू ही तो रंग लाल है, रंगों में बहते हुए दरिया का तू ही तो रंग लाल है। गजब गजब भाई साहब, बहुत सुंदर। और अंतिम जो पंक्तियां है वो आप सभी लोगों को समर्पित है मेरी अंतिम पंक्तियां, क्योंकि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य के जीवन की, तो उसके ऊपर मेरी आपके ऊपर आपको सभी को एक पंक्तियां समर्पित है। तू धरा पर पैर हक से रख, तू धरा पर पैर हक से रख, आसमां हक से ले, हर सांस पर हक है तेरा, तू इसे स्वाभिमान से ले, तू इसे स्वाभिमान से ले। फिर ध्यान सुनना लास्ट पंक्ति को, तू धरा पर पैर हक से रख, तू आसमां हक से ले, हर सांस पर है हक तेरा, तू इसे स्वाभिमान से ले, तू इसे स्वाभिमान से ले। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश सर ने एक शब्द यूज किया, उसका मतलब मैं चाहूंगा कि अगली कक्षा में बच्चों को जरूर समझाइएगा, बहुत ही विलुप्ति के गगार पर है वो शब्द, सुतलियां उम्मीद की। तो सुतलियां उम्मीद की बादल दिखाओ को। जी सर, तो बहुत ही अच्छी कविता आपकी, ऊर्जा देती हुई, बहुत बढ़िया। मैं आगे इस श्रृंखला में भाई एसपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए, एसपी जी अनुष्का वगैरह कुछ सुनाएंगे थोड़ा बहुत? भाई साहब अनुष्का आज निश्चित है वो सुनाने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं कोई नहीं। मैं सुदीप्ता जी से चाहूंगा अगर वो थोड़ा सा कुछ, मुझे लग रहा है कहीं कार में है वो।
नमस्कार जी। जी जी भाई साहब इतना सर दो भाई साहब इतना बढ़िया कार्यक्रम आप इतना अच्छा कार्यक्रम आपने रखा है और दिन रात भी बड़े और वास्तव में बस दंगल हो गया इतनी मतलब लॉकडाउन जैसे जो घर पे रह के मन की स्थिति थी उसकी बदलाव देखने को नजर आ रहा है। नहीं नहीं भाई साहब मुस्कुरा जी सर मनोज जी भाई साहब मेरा एक्चुअली क्या है कि वीडियो इसलिए ऑफ कर रखी क्योंकि फिर थोड़ी नेटवर्क का इशू है। जी 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 सर आप तो मैंने ये कुछ पंक्तियां मैं कहीं सुन रहा था मेरी तो है नहीं लिखी हुई पर मुझे बड़ी अच्छी सी लगी और थोड़ा सा मैं जो है इसको बदलना चाहूंगा थोड़ा सा इसमें जो की कोशिश करूंगा। जी सर जी सर इसलिए मुझे बट मैंने सुनी मुझे अच्छी लगी आपको सामने सुनाना चाह रहा हूँ। बहुत हो गया बंद करो अब नफरत का बंद हिंदू मुस्लिम ईसाई सब है हिंदुस्तान मुस्लिम ईसाई सब है हो गया बंद करो अब नफरत का खेल यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है ये हिंदुस्तान सिंहासन पर बैठे हो तो सिंहासन का पाठ करो सिंहासन पर बैठे हो तो सिंहासन का मान करो अपने घर के लोगों का ना इस तरह अपने के लोगों का ना इस तरह अपमान करो यदि हो साफ तुम्हारी करनी यदि हो साफ तुम्हारी फिर सब कुछ हो सकता है दिल में कुछ हो और जुबा पे दिल में कुछ हो और जुबा पे कुछ हो तो ये धोखा है और गुंडों को धमकाना हो तो गुंडों को धमकाना हो तो धमकी दंग देती होती मैं पीएम होता तो ऐसे बात बात पे ना रोती मैं पीएम होती तो ऐसे बात बात पे ना रोती। बहुत सुंदर पता नहीं तो आगे एक और बढ़ा दो बढ़ा दो सर बढ़ा दो और एक लाइन बढ़ा दीजिए सर बढ़ा दीजिए। जी सर जी चलिए धन्यवाद धन्यवाद जी जी सरहद पर जो खड़ा सिपाही सरहद पर जो खड़ा सिपाही ऐसे रोने लग जाए सरहद पर जो खड़ा सिपाही ऐसे रोने लग जाए रोकर बस जुमले बोले और दुश्मन से ना टकराए रोकर बस जो जुमले बोले दुश्मन से ना टकराए खासी पाजत होगी खासी पाजत होगी दुश्मन और जुटाएगा अपाजत होगी दुश्मन हिम्मत और जुटाएगा सर और कमजोर कर सर को और उठाएगा सर और दुश्मन और उठाएगा राजा राजा की तरह राजा हो तो राजा की तरह तलवार उठाओ तुम बात बात पर भाव होकर हमको ना बहलाओ तुम राजा हो तो राजा तलवार आओ तुम ना बहलाओ तुम रोने वाले इज्जत वाले की इज्जत दुनिया में वे भी कम होती मैं पीएम होती तो ऐसे बात बात पे ना रोती बात बात पे ना रोती। बहुत सुंदर भाई बहुत सो बंद हो से बहुत हो गया बंद करो ये नफरत का खेल बहुत सुंदर बहुत अच्छी कविता सुनाई भाई साहब ने। अच्छा कुछ और परिचय भी कुछ आए हैं गौतम जी भी आ गए हैं हमारे हाँ थोड़े लेट हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी का। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा सर ज्वाइन किए हैं ये प्रोफेसर है कोरिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज योनसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं सर नमस्ते आशुतोष सर धन्यवाद।
इस श्रृंखला में मैं, क्योंकि समय की थोड़ी मर्यादा है, 50 की लगभग हो चुके हैं, थोड़ा सा मैं अब मैं आगे बढ़ूंगा। ये बालक है युवराज, और गौतम जी भाई साहब थोड़े तैयार होइए। युवराज भाई रखो छोटी, जल्दी जल्दी रखिए कविता, फिर थोड़ी बातचीत और होगी। युवराज जी कैमरा जी, युवराज जी, हाँ जी सर, मिश्रा जी भाई जी, जी भाई भाई साहब यहाँ मुस्कान और ये भव्य भी तैयार है, इनका भी करा दो, जल्दी जल्दी करवाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि एक घंटा का ही होता है। पहले युवराज का सुन लीजिए आप। जी 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 सर, युवराज कराओ, बहुत धन्यवाद युवराज। भगवान हम सब बालक हैं अनजान, तुमने सारा जगत बताया, तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने तारों को चमकाया, तुमने फूलों को महकाया, तुमने पानी पवन बनाया, तुम जगत पालक भगवान, हम सब बालक हैं अनजान। बहुत सुंदर, बहुत खूब युवराज, कमाल कर दिया युवराज। हम पर कृपा करो भगवान, तुम हो जग में सबसे महान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब दीदी से कहो, मुस्कान दीदी को लाओ, मुस्कान दीदी। नमस्ते, जल्दी जल्दी शुरू कर, शुरू कर बेटा जल्दी जल्दी। मेरी कविता का शीर्षक है तुम खुद की खोज में निकल। ठीक ठीक, खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल मेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो सुख से लिपटी बेड़ियां समझ रहा इनको बस, जो सुख से लिपटी बेड़ियां समझ रहा इनको बस, तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको चस्त, बना ले इनको चस्त। बहुत सुंदर, किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, कि पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, खुद की पोस्ट में निकल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ चंदौली जिला के माननीय ब्रह्मवृक्ष जी, जो विद्यालय में यहाँ पड़ोस में विद्यालय उसमें टीचर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैथ के पीजी की है, का बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मवृक्ष जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लालमणि जी, अगले अगले थैंक यू साहब, आप सभी लोग आगे भव्य सुप्रभात सर, जी मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। इस जग में जिसने जुल्म नहीं उसने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। बहुत सुंदर, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। तो गुरु जी रामवृक्ष जी, कुछ है कविता का मसाला, तबीयत थोड़ी धीरी रही है लेकिन वो आग्रह पे हमारे पे जुड़े हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक छोटी सी मैं भी सुना देता हूँ। मैं मुझे कोई कविता तो नहीं आती, मैं वैसी बात सुना देता हूँ। अभी कोई कोरोना से संक्रमित हो गया तो डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने ये कहा कि आप हल्का फुल्का खाना और बढ़िया हो जाओ इस पर। तो वो आए, उन्होंने देखा मिट्टी में पानी डाला, कोई बच्चा वो कर रहा था क्या? पानी डाला मिट्टी में तो मिट्टी नीचे हो गई, पानी ऊपर हो गया, बोले ये हल्का है। फिर उसके ऊपर घी डाला तो वो घी ऊपर आ गया, बोले ये इससे हल्का है। फिर क्या हुआ, उन्होंने घी में पूरी तल दी तो वो पूरी ऊपर आ गई, तो बोले ये सबसे हल्की है। तो उन्होंने आराम से वो पूरियां खाई और वो ठीक स्वस्थ हो गए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह आगे करूंगा, मैं क्योंकि समय कम है, मैं नवीन जी से आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा, उन्होंने पुस्तकें लिखी और तो वो थोड़ा जानकारी देंगे आप सब। दो सर दो लाइन मैं भी सुना दूंगा। जी जी सर, सुना दीजिए सर, सुना दीजिए। थैंक यू सर। इजाजत है? जी जी इजाजत है। जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। दो लाइन जी सर, जी सर कविता की, जिससे कि भाई
हम लोग एक ज्ञान के रास्ते से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का फर्ज है कि धरती पर ऐसा उजेला बिखेरे कि जिससे कहीं पर अंधेरा न रह जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता की दो पंक्तियां जी सर। जलाओ दीप पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहन जाए, पूरे मदमी गगन सर्ग छूले, उषा की गली में तिमिर राह भूले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, उषा जान पाए निशान पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर जी। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको थोड़ा सा परिचय करा दूं। रामवृक्ष जी मेरे साथ 25 साल पहले हमारे साथ एक स्कूल में पढ़ाते थे, 25 साल पहले के हमारे मित्र हैं और हमसे आज भी संपर्क में है। मैं नवीन जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा किताब के बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि इन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, वो आप लोग सब लोग समझ लें, और हम अपने विद्यालय में भी रखेंगे, हमारे पास वो किताबें आ गई हैं। चलिए भाई जी, नवीन जी बताइए सर, 5 मिनट है कुल आपके पास सर। अंतिम 5 मिनट ये तो गुरु मूवी का हो गया, अंतिम 5 मिनट है आपके पास। जी 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 जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को जी? तो ये किताब है, इसका किताब कहानियों का संग्रह है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि किताब कभी हमारे एजेंडे में थी नहीं कि कहानी लिखेंगे और ये किताब बन जाएगी। तो इस किताब का रास्ता ऐसा था कि इसकी कोई मंजिल तय ही नहीं थी। तो सबसे बड़ा इसमें जो किताब लिखने में कलम की स्याही बनी वो थी हम लोगों की संतुष्टि, कि इससे लोगों में बदलाव आया। जैसे गूंज नाम की कहानी जो लिखी हमने उसको दीनानाथ नामक एक बुजुर्ग थे उनकी कहानी थी, और वो आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी, बहुत सारे गुरुजी लोगों ने पढ़ी, और उसका जब फीडबैक मिला हम लोगों को, लोगों ने बोला कि जैसे घर में दादी हैं, छोटे छोटे बच्चे उनसे जुड़े, उनका काम करने लगे, उनके साथ समय बिताने लगे, तो जो बदलाव है यही सबसे बड़ी कलम की जीत है और यही संतुष्टि है। इसके अलावा लिखने का कोई और मकसद नहीं हमारा। तो उस मकसद के क्रम में जो लोगों ने फीडबैक दिया, लोग जुड़े और लोगों ने प्रोत्साहन दिया, उसके चलते मैं चलता गया और रास्ते अपने लोग बनाते गए। और साथ ही ये जो बुक का कवर दिख रहा है शंख, तो इसके डिज़ाइन में भी बच्चों ने और गुरुजी लोगों ने काफ़ी फीडबैक दिया। एक हमने सर्वे कराया तो उस सर्वे के तहत काफ़ी लोगों ने ऐसा चित्र पसंद किया जिसमें एक हो और स्पष्ट हो, जैसे बहुत सारे चीज़ें ना हो, कवर जो है सीधे सीधे चीज़ों को कम्युनिकेट करे, उसका जो संचार है कम्युनिकेशन है बहुत क्लियर होना चाहिए। तो उनका फीडबैक भी इस कवर में हमने इंक्लूड किया है। साथ ही इसमें जो एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगा, कुल 15 कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ अपने देश और समाज को, उनकी समस्याओं को, उन समस्याओं के समाधानों को उजागर करती हुई लिखी गई हैं। हर कहानियों में एक हमने चित्र बनाने का प्रयास किया है ताकि चित्र से थोड़ा मन भी बहलता है। हम जब छात्र थे तो चित्र वाली किताबें ज़्यादा पसंद करते थे, वो जल्दी ख़त्म होती थी, हर 5 पन्ने में एक चित्र हो तो क्या बात है। तो ये छात्रों को काफ़ी पसंद आएगी क्योंकि इसकी कुल जो पेज संख्या है
हमने प्रयास किया इसको काफी कॉम्पैक्ट रखें, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उस पन्ने के एक इंच रंच मात्र जगह को भी हमने खाली नहीं छोड़ा है, इतनी भरी हुई कॉम्पैक्ट किताब है। तो इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री मुकेश सर से कि इन्होंने किताब की कहानी पढ़ी है, कहानियों को पढ़ा है, तो कुछ बताएं। बताता हूँ, कहानी ऐसी है, ऐसे मान लीजिए जैसे आपने प्रेमचंद जी की पहले कहानी पढ़ी है, आपने प्रेमचंद की तरह ही रवि जी ने लिखा है, बहुत अच्छी तरह से लिखी है। और ये कहानी हम लोगों को स्कूल में जरूर मिलेगी और ऑनलाइन भी आती रहती है, तो मैं सबको भेजता रहूंगा। और कुछ कविताएं भी लिखी है, कविताओं के बारे में बताइए सर, कविता के बारे में। जी हाँ, तो हमने कविता ऐसे ही लिखते लिखते बहुत सारी, अब जैसे मैंने कहा कि इसका कोई उद्देश्य नहीं था, ये जैसे यात्रा है, कुछ यात्राएं ऐसी रहती है ना जिसका कोई मकसद नहीं रहता, इसका मकसद यह होता है। हमने संकलन किया और अमेजोन पे, उनका प्लेटफॉर्म है किंडल, तो उसपे हमने डाल दिया। एक प्रतियोगिता चल रही थी और लोगों ने, और किंडल के जो संपादक हैं उनको ये पुस्तक पसंद आई, और सौभाग्य की बात है कि इंडिया में हिंदी भाषा में amazon.in जो इंडिया का वेबसाइट है उसमें टॉप 5 फाइनलिस्ट जो है उसमें ये सेलेक्ट हुई है। तो अभी विजेताओं का नाम उन्होंने घोषित नहीं किया है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये नहीं तो कुछ और सही। कभी न कभी नहीं कटेगी, नहीं जब तक हम चाहेंगे चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब हमारे साथ गौतम जी आ गए, भाई साहब गौतम जी। गौतम सर, गौतम जी आके कैसे हट जा रहे हैं? चलिए हमारे साथ वैसे बहुत बहुत दूर से जुड़े, कोरिया से तो कई लोग जुड़े, पुणे से भी विकास वगैरह जुड़े हैं और लोग भी जुड़े हुए हैं काफी दूर से। सब लोगों ने कार्यक्रम देखा और भाई नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी से चाहूंगा मैं, और जो भी हमारे आपके साथ के जो भी प्रोफेसर लोग हैं, मैं चाहूंगा एक दिन मैं अपने बच्चों को हाँ अवश्य सर, ये तो बहुत ही, हाँ ये सबके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि हम लोग समाज से कुछ लेकर आगे आए हैं, जहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो और लोगों को और आगे ले आए। तो अगर इस प्रयास में जी, ये कार्यक्रम हुआ ये ठीक है, किसी दिन बच्चों के साथ प्रोफेसर साहब को रखेंगे अपने। और हमारे एलएमजी सर बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं, थोड़ा बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। नवीन जी ने पुस्तक वगैरह लिखी है, ये हमारे पास आ गई है, ऐसे मान लीजिए ये पुस्तकालय में रखेंगे अपने। मिश्रा जी मुझे याद आ रहा है, वो जो आपने कहानी सुनाई थी दादा वाली, जो अकेलापन, जी जी वो भी कहानी, जो अकेलापन खा रहा था जी, जो कुत्ते ने साथ दिया था उनका, जी जी वो नवीन जी की कहानी थी लग रहा है। जी जी इन्हीं की कहानी है ये, तो मैंने इन्हें आधुनिक मुंशी प्रेमचंद की संज्ञा रखी। नहीं नहीं सर, ये तो रियल में बहुत ही वो हार्ट टचिंग स्टोरी थी नवीन जी। और जैसा मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद की कहानियां जिस तरीके से हमारे दिल में छू जाती हैं, जैसे मैंने प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां पढ़ी है, ईदगाह पढ़ी है, पंचायत पढ़ी है, मंत्र पढ़ी है, तो जितनी भी कहानियां पढ़ी है, अभी मैं एक पढ़ रहा था वो गिला, तो मतलब बहुत सारी कहानियां है प्रेमचंद की, बूढ़ी काकी, तो आप पंच परमेश्वर, हाँ तो सारी कहानियां दिल में उतर जाती हैं। तो उस कहानी से मैंने बच्चों को भी सुनवाया था, मिश्रा हाँ, जी की आवाज में थी वो कहानी, और सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना। और वो मेरी मदर हैं अभी, तो मदर की बहुत केयर करते हैं बच्चे कि मम्मी को कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। और मैं जो भी बच्चे हैं सब बड़े संस्कारित हैं, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखो चार पांच बच्चों ने सुनाई, कविता भी सुनाई, तो ये लोग बड़े ध्यान रखते हैं। और कहानी तो, मैंने जो भी बोली थी तो इन सबको पास भेजी थी। तो मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और आप ऐसे ही लिखते रहिए, और आपकी भावनाएं बड़ी अच्छी है, और जो आपका उद्देश्य है ना, कि आपका उद्देश्य इससे समाज में बदलाव लाना है, यही सबसे बड़ी आपकी मतलब मैं समझूंगा महानता है या अच्छाई है। क्योंकि ज्यादातर आजकल लोग लिखते हैं तो उनका उद्देश्य आप जानते हैं अलग होता है, कि नेम हो जाए, फेम हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, लेकिन जो समाज में बदलाव लाना है प्रेमचंद की तरह, ये मेरे ख्याल से रियल में हमारे अगर बच्चों के संस्कारों में बदलाव आता है
तो जो वृद्धा आश्रम बन रहे हैं ओल्ड एज होम वो खत्म होंगे और रियल में भारत एक अच्छा जगत गुरु बनेगा। तो थोड़ा बहुत मैं भी लिखता हूँ लेकिन रियल में आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा लिख रहे हैं आप, रियली आई इम्प्रेस विद यू। देखिए मैं बताऊं कि नवीन जी बहुत मतलब एक इंजीनियर है, वहां पर बिल्कुल टैटल है लेकिन फिर भी हिंदी के लिए बहुत विशेष ध्यान देते हैं। मनोज जी भाई साहब, एस पी जी भाषा पे अच्छी कमांड है भाई साहब की, नहीं सर थोड़ा प्रयास करते हैं। देखो कोरिया में है तो भाई बच्चे कह रहे हैं कोई बीटीएस है कोरिया में। हाँ हाँ बीटीएस है जी जी। ये बच्चे जो हैं इनके बच्चे सब कोरियन भाषा बोलते हैं, कोरियन भाषा सीखते रहते हैं ये तो। लेकिन आपने जो अपनी मैं आपकी लैंग्वेज में देख रहा हूँ जो बनारस का टच है, मैं भी सुल्तानपुर का हूँ रहने वाला और अयोध्या में मेरी ननिहाल है, तो बड़ी अच्छी भाषा है हमारी उधर की और सब हिंदी की ही आप जानते हैं बोलियां हैं, तो रियल में आप अभी तक वो भूले नहीं है और जो आपकी कहानियां हैं वो भारत से ही जुड़ी हुई हैं, उसमें मिट्टी की खुशबू आती है। अरे वाह क्या, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। सही कह रहे हैं लालवण जी, भाषा का तो बहुत बड़ा महत्व होता है, भाषा के बिना क्या है। हाँ भैया मनोज जी चीज होती है, मनोज जी हमारे अंग्रेजी फैलाते रहते हैं। इतनी अच्छी कविता सुनाई, नफरत छोड़ो, इतनी अच्छी कविता सुनाई भाई ने, नफरत छोड़ो, बढ़िया सुनाओ। हिंदी छोड़ के दिन रात अंग्रेजी पढ़ाते रहते हैं। नहीं नहीं ऐसी तो राय एसपी जी। हाँ भाई सर, भाई साहब जी सर, देखिए कुछ किताब वगैरह दिख रहे हैं भाई जी और उस किताब को हम पढ़वाएंगे, हमारे पास आ गई है वो किताब, बच्चों को भी पढ़वाएंगे। और बताइए कुछ कार्यक्रम कैसा रहा आज का एसपी जी? भाई साहब आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, मन खुश हो गया। मैंने लॉकडाउन में इतना अच्छा कार्यक्रम वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है आप लोगों की। जी जी सर, नहीं आपने भी बहुत बढ़िया कविता, कितनी अच्छी कविता सुनाई। और तो भाई मेरी ओर से तो यही है कि सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी आप भी सबको कह दीजिए भैया, जो आप गुरु जी वगैरह हैं भैया मित्रा जी। गौतम जी की कमी अगर नहीं, गौतम जी ने कुछ नहीं सुनाया। गौतम जी बोल नहीं रहे, गौतम जी हैं यहाँ पर बोल नहीं रहे बिल्कुल भी। ये गौतम जी आज दिन क्या समझ में नहीं आ रही है। मनोज जी अगर आपका आग्रह भी ठुकरा दिया गौतम जी ने तो अच्छी बात नहीं है। नहीं ये जो गौतम जी है नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, हम तो पैसे कह रहे हैं, पोस्ट भी कह रहे हैं मान लो। गौतम जी भैया हिंदी गौतम जी पढ़ा रही है, अब भैया हिंदी को बढ़ावा देंगे मनोज जी। गौतम आप चिंता मत करो, गौतम जी बोल क्यों नहीं रहे पहले तो ये बताइए। गौतम जी नहीं बोलेंगे आज, नाराज हैं गौतम जी। सर हिंदी को बढ़ावा देने वाले लोग अक्सर जो है अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी जी इलाहाबाद में प्रोफेसर थे अंग्रेजी जी, और अभी फिलहाल में एक साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई हैं, महिला हैं वो, उनको वो भी इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। देखिए सुनिए कितनी बढ़िया बात बताई। अच्छा नवीन जी एक छोटी सी कोई कविता हो तो सुना दीजिए और बाकी जी लोग चलेंगे फिर। तो अभी जो हालात पैदा हुए हैं भारत में उसे मेरा मन बनी रहा था एक कुछ लाइनें सुनाने का। महामारी तो है ही साथ में मानवता का भी संकट है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं तो उसी पे ये कविता है मेरी। रंग गई ऐसा क्यों चढ़ा है, रंग गई ऐसा क्यों चढ़ा है, माटी का रंग माटी रहने दो, माटी का रंग माटी रहने दो, सतरंगी चेहरे बेरंग दिल अब दोनों को रंगीन बनने दो। यदि छुपा हुआ है रावण अंतःरण में, जिह्वा जपती हो जब राम, खोल दो अपना बजरंगी सीना, अब शीशे सा सब दिखने दो, अब शीशे सा सब दिखने दो। उड़ो गगन में इतना ऊंचा, उड़ो गगन में इतना ऊंचा, अपनों का अंबर अपनों का आंचल खींच सके, कहीं स्वर्ग चढ़ने की चाहत त्रिशंकु की न रीत बने, धरूं धरा कि पीलू अंबर, मन को इस बवंडर में न पढ़ने दो। अंतिम लाइनें जो हैं आप लोगों को इशारा करेंगे कि क्या चल रहा है इस समय। मानव बन आए, अगर नहीं बन पाए तो बाज बनो, कुछ नाज रखो,
जिंदे जज्बातों को मत नोचो। मानवता मानवता तुम गगन चूमो स्वागत हो, पर गिरना कभी तो इतना मत, गिरना कभी तो इतना मत, जमीन नहीं है मेरे पास गज दो गज रज तेरे दफनाने को, जमीन नहीं है मेरे पास गज दो गज रज तेरे दफनाने को। तो ये है आज मानवता का भी संकट है महामारी में। हाँ जी जरूर जरूर सर, अब की आप आइए तब विद्यालय घुमाएंगे, सब सब परिचय कराएंगे, भाई हमारे सब मित्र लोग हैं ये, ठीक है जी। मेरा सौभाग्य सौभाग्य रहेगा सर। आइए नवीन जी आपका स्वागत, बहुत अच्छा लगेगा आप आएंगे हमारे बीच में। नहीं नवीन जी आज से आए हैं, एक दिन रुके बस फिर चले गए, और काफी पैसा खर्च हुआ, देखो जाते तो अपने घर जा सकते थे सीधे, लेकिन यहाँ आए, बहुत बढ़िया भाई है नवीन जी, ठीक है जी सर। और बताइए किसी को कुछ कहना है तो अपनी बात रख दे, बाकी फिर कब किया जाए सर, कुछ काम होगा। नवीन जी विदेश में रह करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अरे धन्यवाद सर। तो और हाँ ये बहुत बड़ा योगदान है भारत का, मतलब भारत की संस्कृति को विदेश में फैला रहे हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि भाई साहब फिर दोबारा से एक बार बहुत जल्दी मीटिंग हो। हाँ जरूर जरूर, ये मीटिंग दोबारा से एक बार हो, है ना, एक महीने बाद दो महीने बाद जी आप रखें, लेकिन रखते रहें, ठीक है ना। भाई साहब नवीन जी के बारे में मैं थोड़ी सी बताऊंगा, हमारे विकास जब कोरिया गए तो पूरा सहयोग मिला इनका, अरे नहीं, और दो तीन महीना उसके बहुत आराम से कट गए वहाँ, अरे नहीं जानने वाला नहीं था, तब भाई ने बहुत बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं सर, ये कहने की जरूरत नहीं। एस पी जी, हाँ भाई साहब कुछ अनुष्का से सुनवा देते दो लाइने, भाई साहब फिर कह रही उसको सुनाने के लिए सर, हर से अच्छा अमेरिका ये कह रही थी डिली बोलिए, अभी आर्या जी ने कहा है कि दोबारा मीटिंग फिर रखी जाएगी, तो बिटिया से कह देना वो तैयारी जरूर रखे, बिल्कुल सर बिल्कुल सर जी। हाँ वो पंडित जी और नवीन जी, हाँ जी जी सर, जो जो मिश्रा जी आए आशुतोष मिश्रा जी, ये भाई साहब क्या करते हैं वहाँ थोड़ी सी जानकारी। आशुतोष सर कृपया ऑनलाइन आए, तो ये आईआईटी बीएचयू से पीएचडी किए हुए हैं सर, और यहाँ पे रिसर्च प्रोफेसर हैं, योनसे यूनिवर्सिटी है, कोरिया का स्काई बोलते हैं, SKY सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी, और वाई से योनसे यूनिवर्सिटी, तो सारे बच्चों के ड्रीम यूनिवर्सिटीज में ये प्रोफेसर हैं कोरिया के सारे। हाँ हम चाहेंगे कि हम चाहेंगे जितेंद्र सर और आशुतोष सर ये स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करें, ये लोग दो क्लास जोड़ूंगा मैं, कम से कम दो क्लास तो बच्चे हमारे सब रहेंगे, उन्हें कुछ फायदा भी होगा। हाँ जी जी ठीक है जी, हम लोग नवीन जी से बात भी करेंगे सर, आपका कोरिया में रहो खूब बढ़िया रहो, और बस आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग मैंने बस कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एसपी जी भाई साहब का लाभ लेंगे, भाई साहब का लाभ लेंगे, किसी दिन बहुत लोग हैं प्रोफेसर लोग हैं ये वहाँ के, और इन्हें जोड़ेंगे अपने बच्चों के बीच में। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल जी, और खासकर हमारा शिष्य तो फायदा लेगा इसमें, यस शर्मा इसे भी नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, तो नवीन जी भाई अब समय को ध्यान में रखते हुए भाई देखो वैसे तो मन नहीं हो रहा है जाने का। नहीं नहीं समय का ध्यान रखना जरूरी है। तो अपने मैं बताता हूँ एक मिनट, हाँ एलएम जी सर जी सर, अरे सुहानी से वो करवा दीजिए वो मंत्र शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाँ 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 चलिए सुहानी, तो सुहानी से करा दो, सुहानी आओ, सुहानी से कराऊंगा, नहीं तो गुरुजी भी है आप भी हम भी है सब लोग, सुहानी करेंगे, सुहानी आ गए, हाँ करवा दीजिए सर शांति मंत्र। दिलीप जी का स्वागत है,
दिलीप हमारे मित्र हैं और एयरफोर्स में देश की सेवा में जुड़े हुए हैं। दिलीप जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेट जो आए थोड़े कार्यक्रम में है। हाँ हाँ दिलीप जी, दिलीप अनम्यूट करो। दिलीप दिलीप अनम्यूट करा, अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सत्युओं को मैं अपने सरजमी अपनी मिट्टी से जहाँ से नवीन जी भी बिलोंग करते हैं वहाँ से आप सभी को नमन करता हूँ। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ कि मैं इस संगोष्ठी में एक परिवार का हिस्सा बन पाया। काफी समय से प्रयास कर रहा था लेकिन टेक्निकलिटी में थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण मैं लेट से जुड़ पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, बहुत बढ़िया आप जुड़े और आपको अगली बार फिर जोड़ेंगे। ये वायुसेना जहाजों जो फाइटर प्लेन है उसके बहुत करीबी रहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत धन्यवाद सर देश की सेवा के लिए। सैल्यूट सर। नवीन जी के तो बहुत मित्र हो चुके हैं जी, हजारों की संख्या में। नहीं नहीं ये सब हजारों हैं लेकिन हम हाँ दर्जा 5 से हम लोग साथ में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मित्रों की भाई क्या बात है। हाँ बेटी सानी जी। सर जी करिए बेटी, सभी ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए जी। जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु सुभाषते सुमुहुः। ॐ शान्ति शान्ति बहुत अच्छा बेटा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पुनः से जोड़ेंगे किसी दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू नवीन जी, मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक तरफ से प्रोफेसर लोगों का, सभी का, दिलीप जी का, सभी का, एलन जी सर, सभी का, सभी भाइयों पूरे सबके सबके सबको सभी लोगों को प्रणाम। अरविंद सर, जितेन सर, आशुतोष सर, मुकेश सर, दिलीप भाई, मिलेंगे हम लोग थोड़ी देर में। हाँ प्रणाम।